वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के लिए बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट के साथ फंडामेंटल नंबर्स भी यहाँ पे चेक करने वाले, जो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे या कौन से बुरे हैं वो भी यहाँ पे देखने वाले। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1.75 पे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुके था फ्राइडे के दिन, जहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग थी वहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे अपडेट सीधे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो लास्ट वन वीक की भी बात की जाए तो लास्ट वन वीक में यहाँ पे 2.94% गेन किया है, और वन मंथ की बात किया तो वन मंथ में यहाँ पे गिरावट हो चुकी है 7.89% है। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉल कैप में मुड़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन हाई रिस्क में है, कम्युनिकेशन सर्विस में मुड़ता है। तो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे इंसफिशियंट डाटा की वजह से नहीं बताई गई, रिटर्न मीन्स यहाँ पे रिटर्न और सिक्योरिटी की भी बात की जाए तो इंसफिशियंट डाटा है, डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड, स्टॉक यहाँ पे डिविडेंड रिटर्न नहीं देता है अट्रैक्टिव। और एंट्री पॉइंट की भी बात की जाए तो एंट्री पॉइंट भी देख सकते हो गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरब्रॉट जोन, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरब्रॉट जोन में नहीं एंट्री करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है इस स्टॉक में। रेड फ्लैग्स फाउंड स्टॉक इज इन एसएम लिस्ट, स्टॉक एसएम लिस्ट में तकरीबन प्रमोट होल्डिंग में शेयर भी प्लेस होंगे, और तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो एक साल में ज्यादा रिटर्न दिया होगा स्टॉक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन ईयर की रिटर्न भी देखे जाए 84% के रिटर्न दे चुका है लास्ट वन ईयर में, और बहुत सी मूवमेंट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएम लिस्ट में ये स्टॉक है। करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरकास्ट रिपोर्ट की भी बात की जाए तो यहाँ पे फॉरकास्ट डाटा इज करंटली अनेबल फॉर दिस स्टॉक, मीन्स यहाँ पे इंसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं दे रहा है। पर बाकी के जैसे कि यहाँ पे न्यूज की भी बात की जाए तो लेटेस्ट न्यूज भी यहाँ पे कोई नहीं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। होल्डिंग की भी बात की जाए तो होल्डिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टोटल प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लास्ट 6 मंथ प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कॉन्स्टेंट, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे चेंज नहीं हुई, बहुत ही कम है, और शेयर भी प्लेस नहीं, जो कि अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड देखी जाए तो म्यूचुअल होल्डिंग भी यहाँ पे पिछले 3 महीने में कॉन्स्टेंट है, और एफआई की होल्डिंग भी पिछले 3 महीनों में कॉन्स्टेंट है। तो देख सकते हो तकरीबन पब्लिक होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल देख सकते हो डीआई की होल्डिंग 51.72% की है, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 43% की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 1.9 और टोटल प्रमोट होल्डिंग 3.33% की। तो बाकी के डिटेल यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख सकते हो, तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो 2209 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और आरओसी माइनस में है, यहाँ पे आप देख सकते हो बुक वैल्यू भी माइनस में है। तकरीबन यहाँ पे डेब्ट कंपनी के ऊपर 5134 करोड़ का डेब्ट है, नेट प्रॉफिट है -1304 करोड़ का, ईपीएस भी देख सकते हो माइनस में। कंपनी के जो सेल्स हो चुके थे वो 14,468 करोड़ के हो चुके थे, टोटल एसेट भी देख सकते हो कंपनी के 6,452 करोड़ के थे, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, और वो सब पूरी यहाँ पे प्लेस्ड है। एक साल में यहाँ पे 84% का रिटर्न सिर्फ दे चुका है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। तो बाकी के डिटेल यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स में बहुत सारे पॉइंट में है, जैसे कि प्रोज में नहीं है। तो देख सकते हो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स, पिछले 5 सालों में यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ दिया है, प्रोमोटर होल्डिंग कम है बहुत सी, कॉन्टेंगेंट लाइबिलिटीज भी देख सकते हो 14,087 के है, जो कि कर जाए। प्रोमोटर्स हैव प्लेस 100% है होल्डिंग, मीन्स प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर प्लेस है 100%। तो बाकी के डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट है प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में यहाँ पे आप देख सकते हैं 16% से कम हो चुकी है प्रोमोटर होल्डिंग। और बाकी के डिटेल यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे पीयर कंपेरिजन भी देख सकते हो जीटीएल इंफ्रा के लिए, तो इस सेक्टर में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 2 नंबर पे आता है, बाकी के चीजें बाकी के स्टॉक जो है आईटीआई 1 नंबर पे आता है, 9,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोई कंपनी को प्रॉफिट नहीं, जिसमें लॉस हो रहा है वो यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सा लॉस होता हुआ नजर आ चुका है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए।